हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर सा ये स्लीव का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से ये बन जाएगा, बहुत कम समय लगेगा इसको बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे स्लीव बनाने के लिए हम पहले स्लीव को कट कर लेंगे। ये हमने देखिए स्लीव कट कर लिया, हमें जितना लंबा चाहिए, ये ऐसे कोनी तक ही स्लीव अच्छा लगता है ये वाला। तो ये हमने 10.5 का ले लिया है, हमें तैयार 9.5 का बनाना है। इसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा जब हम कुर्ती में ये ज्वाइन करेंगे। इसके लिए 1 इंच हमने प्लस कर लिया है और ये मोहरी हमें 5.5 तैयार चाहिए। ये हमारा मार्जिंग है, इतना 1 या 1.5 इंच आप रख सकते हैं मार्जिंग। हमने मार्जिंग लेके कट कर लिया है। अब इसको डिजाइन बनाने के लिए ये देखिए, ये 2.5 इंच की हमने, ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और ये लंबी है, ये हमारा लंबा कम से कम 39 इंच, ये ऐसे लंबा है, 39-40 ले सकते हैं, लेकिन इसमें कम नहीं होना चाहिए कपड़ा। कपड़ा ज़्यादा हो जाए वो हम कट करके निकाल देंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए कपड़ा, क्योंकि ज्वाइंट इस कपड़े में और इस फ्रिल में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको डबल करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 19.5 पे आ रहा है, 20 इंच में 1/2 इंच कम, तो ये 40 इंच पकड़िए। ये हमारा ये 2.5 इंच चौड़ा हो गया, 40 इंच लंबा हो गया, और इतने में, इतने बॉटम के लिए ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे इस तरह से डबल करके, और मशीन की सिलाई हम मोटी कर लेंगे, बड़ी कर लेंगे, और बड़ी करके इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से कच्ची सिलाई लगा देने से ये कपड़ा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, इधर 2 इंच और फिर इस साइड 2 इंच, ये 2-2 इंच हम छोड़ देंगे, और फिर इसको ऐसे करके इस पर यहाँ से ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे दोनों हाथ से हम पकड़ेंगे। ये सिर्फ यहाँ से नहीं, ये दोनों हाथ से ऐसे पकड़ते हुए ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी सी ऐसे चुन्नट बिठाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से ये बराबर से ऐसे चुन्नट बैठते जाएगा, और इसके किनारे हम अभी कच्ची सिलाई ही लगा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये चुन्नट लग गया, और एक बराबर चुन्नट लगा है, कहीं पे बड़ा नहीं, कहीं पे छोटा नहीं, एकदम एक बराबर ये लग गया है। अब हम ये स्लिप को ले लेंगे और इसको स्लिप को सीधे साइड से रखेंगे। ये तो हमारा सीधे कपड़े में ही हमने लगाया है इसको, फिर ये हमारा ये स्लिप का सेंटर हो गया। इसमें भी हम ऐसे करके सेंटर का निशान लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको यहाँ पे रख के, और ये देखिए यहाँ से सिलाई लगा देंगे।
ये सिलने के बाद इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से हम ऐसे मोहरी का निशान लगा के ये और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा स्लीव तैयार हो जाएगा। देखिए 5:30 पे इस तरह देखिए ये स्लीव बनाना कितना आसान है और ये कितना फिनिशिंग के साथ ही हमारा स्लीव दोनों बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।